बड़ा आसान सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कीज का। तो ये कीज नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि डिक्शनरी में काम करता है। आपको पता है डिक्शनरी में की और वैल्यू दोनों होती है। तो ये देखिए, ये है की और ये है इसकी वैल्यू, यानी सेक्शन ए जो है राम का है, सेक्शन बी श्याम का है। तो ये बी जो है ना, यही आपकी की है और ये जो है ना इसकी वैल्यू है। तो की क्या करता है, केवल कीज को फाइंड करता है, बाकी वैल्यूज को छोड़ देता है। तो यहां पर डिक्शनरी वन नाम से एक डिक्शनरी मैंने बनाई है और उसके अंदर की और वैल्यू दोनों ही रखी हैं। अभी हमें क्या करना है, कीज फंक्शन का यूज करना है जो हमने यूज भी किया है, और यहां से F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करते ही हुआ क्या, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पे कीज नहीं देता, अगर मैं यहां पे कीज नहीं देता, सिर्फ डिक्शनरी वन को प्रिंट करा देता, तो ये पूरी डिक्शनरी ही प्रिंट हो जाती। लेकिन अभी केवल कीज प्रिंट हो रही है। तो ये कीज लिखने का मतलब यही है कि यहां पर कीज नाम का फंक्शन है जो केवल कीज देगा, आपसे वैल्यू छोड़ देगा, केवल कीज को प्रिंट कर देगा। तो देखिए, अभी हटा दिया तो देखिए क्या प्रिंट करा, अभी था तो क्या प्रिंट कर रहा था, ठीक है। देखिए हटा दिया मैंने कीज, अभी लगा देंगे फिर वापस से कीज, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए कीज नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन जो हमने लगाया था वो वापस से हमने अप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, इसको चलाता हूं तो देखिए केवल कीज प्रिंट कर रहा है, समझ रहे बात को। तो ये कीज जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जो कि डिक्शनरी में यूज होता है, और ये केवल कीज ही आपको प्रिंट करके देगा। ओके,